वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के, बिना ब्रेक वाला वीडियो बोले सबसे हार्ड। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। सूरत महानगर पालिका संवेदना खुशियों का पिटारा करके कॉन्सेप्ट नया लेकर आई है, खासकर दिवाली को ध्यान में रखते हुए। क्या है ये संवेदना का पिटारा, आइए हम बात करते हैं खुद म्युनिसिपल कमिश्नर सूरत के जो मौजूद हैं वंशा निधि पानी जी। सर बताइए किस तरह का ये कॉन्सेप्ट है और किस तहत काम कर रहे हैं? इसमें ऐसा है कि सूरत महानगर पालिका बेसिकली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करता है, बट इसके उपरांत मुझे ऐसा लगा कि सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में काफ़ी सारे जो लोग हैं वो लोग जो लोग वंचित हैं, पीड़ित हैं या थोड़ा गरीब विस्तार में रहते हैं, उनके साथ कैसे दिवाली मनाया जाए। दिवाली जो है वो खुशियों का पर्व है, इसलिए हमने सोचा कि हम लोग जो है सब लोग शहर में दिवाली को सेलिब्रेट करने से पहले हम लोगों को उनके साथ, ये गरीब बच्चों के साथ, गरीब लोगों के साथ, हम लोगों को जाके उनके साथ ये दिवाली बनाना चाहिए। इसलिए खुशियों का पिटारा संवेदना करके जो प्रोजेक्ट लाए हैं उसमें जिन लोगों के पास जो भी दान करने के लिए है वो सब अपना दान करके, ये अभी तक हमको लगभग 3 लाख से ज़्यादा हमको टॉयज मिले हैं, हमको ड्रेसेस मिले हैं, हमको स्वीट्स और क्रैकर्स मिले हैं, और ये सब चीज़ें जो है हम एक किट बना के हम अलग अलग जहाँ मजदूर रहते हैं, जहाँ ये जो सिटी के लिए काम ही करते हैं लेकिन हम कभी उनका जो काम है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए हम उनको रिकॉग्नाइज उनका काम भी करेंगे और इसके साथ साथ दिवाली के पहले एक इंक्लूसिव सिटी जो सब लोग साथ में रह के एक सिटी जैसे डेवलप हो उसी हिसाब से एक इंक्लूसिव सिटी को साकार करने के लिए संवेदना एक खुशियों का पिटारा, जिसमें जो देने वाला है, जो दान करने वाला है उसको भी जॉय ऑफ गिविंग का खुशी मिलेगा और जो लेने वाला है उसको भी दिवाली का खुशी मिलेगा, ये दोनों को जो खुशी मिलने वाला है इसलिए प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है। सर महानगर पालिका का काम तो दूसरा बहुत सारा कुछ काम होता है महानगर, लेकिन इस तरह से ये विचार कैसे आया कि गरीब बच्चों की दिवाली भी खुशी से मनाई जाए? मुझे लगता है सूरत जो है काफ़ी एक डेवलप्ड शहर है और फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी है वर्ल्ड का, तो कोई भी सिटी ये एक स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी तभी हो सकता है जब भी हम एक इंक्लूसिव सिटी हो सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे चीज़ें स्मार्ट सिटी के अंदर आता है, एक क्लीनेस्ट सिटी हो, इंक्लूसिव सिटी हो, रेजिलिएंट सिटी हो, सस्टेनेबल सिटी हो, ये सब चीज़ उसके अंदर आते हैं, तो हम सोचे कि सूरत जैसे शहरों में हम एक संवेदना जो सेंसिटिव गवर्नेंस हो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सूरत का एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में, इसीलिए हमने ये सूरत में शुरू किया है। सर इसके लिए कितने सेंटर शुरू किए गए हैं सूरत पे जहां लोग दान कर सकते हैं? इसमें लगभग 115 से ज़्यादा कलेक्शन सेंटर्स शुरू किए गए हैं और हर जोन में एक एक व्हीकल भी किया गया है, सो दैट लोग दिवाली के टाइम में जो कुछ दान कर सकते हैं वो उसमें उनके घर द्वार पर ही गाड़ी आके ले सकता है, तो ये 115 से ज़्यादा हमने कलेक्शन सेंटर्स शुरू किए हैं और इसमें काफ़ी सारे जो एसोसिएशन हो, उसमें टेक्सटाइल हो, दूसरे लोग जो हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से खुल के हमको मदद किया है। सूरत का, सूरत के लोगों का जो सपोर्ट रहा इस पूरा संवेदना प्रोजेक्ट में, मुझे लगता है ये अभूतपूर्व रहा और सूरत में ये संभव हो सकता है। सर इन जरूरतमंद जो बच्चे हैं उन तक पहुंचाने के लिए, मतलब इकट्ठे करने का तो भी कार्रवाई चल रही है, अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन उन तक पहुंचाया कैसे जाएगा ताकि वो दिवाली खुशी से मना सकें? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है हर एरिया में मौजूद है और हम लोगों का स्कूल है, आंगनवाड़ीज हैं, सखी मंडल्स हैं, हमारे साथ बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे संस्थाएं भी आगे आए हैं, तो ये जो एरियाज़ हैं ये एरियाज़ आइडेंटिफाई कर लिया है हमने और किस एरिया में किस हिसाब से किस एनजीओ के साथ किस के साथ जाना है और कितने लोगों को उसमें हेल्प करेंगे, काफ़ी सारे जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन और दूसरे सारे भी बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो हमको इसमें मदद करने के लिए राजी हुए हैं, तो हमको
ये एक अच्छा लगा कि अगर जो एजुकेटेड हैं, जो बहुत अच्छे से इस प्रोजेक्ट में समावेश होना चाहते हैं, तो उनको भी एक नया आगे भी काम करने के लिए ये मिलेगा। तो मुझे लगता है इस लिहाज से हम सब लोगों को साथ में लेके डिस्ट्रीब्यूशन करके हम सोच रहे हैं कि सब लोग परिवार के साथ आए। जब डिस्ट्रीब्यूशन करें तो परिवार के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो बच्चों को भी ये लगे कि जॉय ऑफ गिविंग क्या होता है, तो उसके वो जो संस्कार है वो काफी अच्छे से हम सब लोगों के ऊपर रहेगा। तो मुझे लगता है उस कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। ये थे सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर बंछा निधि पानी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उनका जो कॉन्सेप्ट है संवेदना खुशियों का पिटारा, ये कहीं न कहीं मानवता की जो जोड़ है, मानवता का जो एक पुल बांधने का काम जरूर करेगा। कैमरामैन साई जगताप के साथ संजय सिंह राठौड़, गुजरात तक।